गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए, थोड़ा लेट हो गए थे उठने में इसलिए ब्लॉग की स्टार्ट भी लेट हो रही है। और ये देखो कैमरा देख के ये भी बोल रहा है कुछ, मतलब इनू में चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, अब वो आपको बाद में फ्री होके बताऊंगा। और सिमी भी तैयार है, मम्मी पापा भी आने वाले हैं आज, तो आज हमने सोचा कि आज थोड़ा घूम के आते हैं। और मैं ट्रिमिंग भी नहीं कर पाया, कल रात लेट हो गया था ऑफिस आने में, तो अभी हम निकल गए हैं घर से। और अभी हो रहा है टाइम 8:30, तो अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे जहां जा रहे हैं घूमने के लिए। तो व्यान का सारा खाना पीने का पैकिंग कर दिया, हमने भी कर लिया है क्योंकि बाहर का हम ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। और हमारा सामान गाड़ी से बिल्कुल लदा हुआ है, आप देख सकते हो, सब कुछ ले जा रहे हैं हम, सब कुछ। अभी मार्केट से ही आ रहे थे, हम आ कह रहे थे जा रहे हैं, मार्केट से ही जा रहे थे, तो हमें वहां पे एक मतलब बहुत अच्छी चीज दिखी है, जिस जो मतलब आर्यन को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को भी है पर आर्यन को इस पे ज्यादा पसंद है। और वो मतलब हर तीसरे दिन हमारे घर में आ ही रही आजकल सर्दियों में। ये तुम ले आए, यही है ना तुम्हें पसंद? अरे वाह, तो गाइस हमें लग गई है भूख, तो अब हम खा रहे हैं सैंडविच। ये हमारे सैंडविच, और बयान सो चुका है। सैंडविच सुबह सुबह 6 बजे उठी, यही बना और हाँ। ये बना, उसके बाद फिर मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मेकअप किया मैंने बहुत ज्यादा। हाँ, उठ के यही बनाया, उसके बाद मेकअप में लग गई थी, बस यही खा रहा हूँ मैं सैंडविच। उसके बाद 1 घंटा मेकअप में गया, उसके बाद हम निकल गए भाई। ये है इन लड़की के हाल। आपको बयान की एक हरकत दिखाती हूँ, ये क्या कर रहा है अभी देखो। ये यहाँ से लोगों को देख रहा है वो, और इसको पकड़ रखा है इसने हैंडल को। वैसे यही नवाब होंगे, लॉक मत खोल देना हम गिर जाएंगे नीचे। वो देखती भी जा रही है आपको, बेबी गर्ल। ये देखो कैसे पकड़ के खड़ा रखा है ये। तो गाइस हमें जाना है वहां पे टॉप में, आपको छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, तो हमें अभी वहां जाना है। और हमें कितना टाइम लग जाएगा वहां जाने में? आधा पौन घंटा लगेगा, बस पहुंचने वाले हैं हम तो। पर वहां का मौसम मतलब अच्छा होना चाहिए यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि मौसम कैसा हो रहा होगा, क्योंकि मौसम ही देखने जाते हैं स्पेशल हम, मतलब वहाँ पे मौसम का ही मजा है जो है। इनू क्या देख रहा है? मम्मा को, मम्मा व्लॉग बना रही है। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं मसूरी, और मसूरी में इस टाइम बीच सेंटर में रुके हुए, और यहाँ से नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, धूप बहुत तेज है आज। क्या देख रहे हो, क्या है मम्मा को, क्या देख रहे हो? ये दिख रहा है देहरादून, एकदम क्लीन व्यू है। क्या ढीला कर दिया, ओ तुम्हारा चश्मा ढीला हो गया, ये इसने ढीला कर दिया यार ये। तो इसके हाथ में दे दो फिर। तो गाइस आर्यन होटल का पता करने गए हैं, अभी एक होटल देखा है, दूसरा होटल भी देखेंगे जहाँ पे हम ज्यादातर स्टे करते हैं। अगर वहाँ फुल बुकिंग होगा तो फिर यहाँ पे बगल में यहाँ पे ही हमें देखना पड़ेगा। और व्यान सो गया है, मेरा बच्चा थक गया, सुबह का उठा हुआ है 6 बजे का। तो मसूरी में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और अभी मुझे लगता है बज रहे हैं 1:30, और 1:30 बजे इतना मतलब ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, तो समझो रात में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। और जल्दी आ जाओ, तो वो आ रहे हैं शायद, होटल मिल गया है जैसा फेस देख के लग रहा है। क्या हुआ? तो हमें मिल गया रूम। आप तो ऐसे रो रहे हो व्यान कि जैसे आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर आ रखे होंगे। हमारा रूम देखो कितना सुंदर है, हम दिखाएंगे। तो हम जा रहे हैं अपने रूम में। हाँ ठीक है, बालकनी भी है इसमें। ओह हमारी बालकनी भी मिली है इस बार हमको, वाओ इनो वाओ। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर लगता है, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो गाइज हमें यहाँ पे बालकनी भी मिली है इस बार, और हमने होटल दूसरा लिया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और व्यान ले रहा है मज़े बालकनी में धूप के, और ये मसूरी दिख रहा है यहाँ से, कितना सुंदर व्यू है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी,
और अभी हम जा रहे हैं होटल से जो लाइब्रेरी चौक है वहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ मौसम अच्छा हो रखा था लेकिन मौसम अब ख़राब हो गया है। सिमी यहाँ पे, वीन को मैंने गोद में ले रखा है और सिमी यहाँ पे है। तो गाइस हम पहुँच गए लाइब्रेरी चौक अगेन और वियान को पहनाइए कॉटन की कैप, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, दोबारा से बनाइए इसको गर्म वाली। और ये कश्मीरी शॉल वाले हैं यहाँ पे जो शॉल देते हैं, सूट भी अच्छा रखे हैं यहाँ पे। हाँ ये वही वाले भैया हैं जिनसे हम लेते हैं और फोटो सेशन होता है। यहाँ से जो व्यू दिखता है मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हवा देखो कितनी सुंदर चल रही है यहाँ पे कि मेरे हेयर्स भी उड़ रहा है। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, हमको लगा था कि बहुत धूप हो रही है पर बहुत ज्यादा, लाओ अभी तो इसको बयान बदल दो, ये नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। आप कार से इसके लिए कैप लेकर आ रहे हैं, थोड़ा इसको कॉटन ही कैप पहन रखी है इसने, इसलिए हम खा रहे हैं मोमोज। हाँ खाते हैं, मन कर रहा है। यहाँ पीछे से हवा आती है ना डायरेक्ट, तो स्टोव भी तो जली रही है, गैस ही तो है वो, जहाँ हवा लगती होगी ना ज्यादा। तो हमारे मोमोज रेडी, वीनू हो रही थी तैयार होने में दिक्कत क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो इसे कपड़े पहना रहे हैं, जितने कपड़े पहन रहा है उतनी बार रो रहा है। अब एक जैकेट पहनाया था इसको, बहुत अच्छा मोटा जैकेट था वो और ठंड के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वो इसने जैसे ही पहनाया उसके बाद रोना स्टार्ट। अब इसकी ड्रेस चेंज की है, अब इसको ये पहना रही है इसकी मम्मी, ये अभी भी रो रहा है। ठंडा है बेटा बाहर, थोड़ा सा तो चलोगे ना, रोते नहीं, गंदी बात, रोते नहीं ना। जहाँ हमने होटल ले रखा है वहाँ से बाहर का मतलब व्यू दिख जाता है, और दिन में तो इतना पता नहीं लग रहा होगा लेकिन रात को जो सुंदर व्यू दिखता है वो ये है। अब मैं आ गया हूँ बालकनी में, देखो यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। अभी हमें जाना है मसूरी के जो अपना लाइब्रेरी चौक वाला एरिया है, माल रोड वाला, वो उस साइड है ना, हमें वहाँ जाना है। ये पूरा एरिया नीचे देहरादून का है, यहाँ से पूरा देहरादून दिखेगा, ये देखिए यहाँ पूरा देहरादून है। और हमारा होटल कुछ इस टाइप का है। अब चलते हैं हम माल रोड, हम जा रहे हैं अभी माल रोड। वीनू हमारे साथ ही है, बहुत मुश्किल से तैयार हुआ और आपको दिखाता हूँ यहाँ रश कितना हो रहा है। ये देखो होटल के बाहर से गाड़ियों की लाइन लगी है, वहाँ पे शायद इस वजह से भीड़ है क्योंकि नीचे भी होटल है, तो होटल का रास्ता इस टाइप से कुछ है, यहाँ से जा रहा है, तो अभी इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और वो दिख रहा है आपको मसूरी फ्रंट वाला एरिया। अभी हम चलते हैं माल रोड, हम माल रोड में मिलेंगे। असिमिया वीनू ये आ रहे हैं, आ जाओ। बहुत लंबाई है, तुम्हें रिक्शा करनी है? हाँ रिक्शा करेंगे, रिक्शे का टायर पंचर करेंगे बैठ के दोनों। मेरा रिक्शा में बैठने का मन है क्योंकि पिछली बार भी हम रिक्शा में बैठे नहीं थे। लंच के टाइम में जितने भी फास्ट फूड वाले हैं लंच में बैक साइड में खड़े होते हैं, और इस टाइम पे रात को ये सब लोग रोड पे आ जाते हैं, मतलब बाहर की साइड। पहले तो ये बाहर ही रहते थे पूरे दिन, अब गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा है तो ये मोमोज मोमोज की दुकान यही लग गई है ये। तो ये है नाइट व्यू। ये स्कूटी में चेन क्यों लग रही है? चेन इसलिए लग रही है कि बहुत देर से खड़ी करके गए होंगे, या नो पार्किंग है वो लगा दी चेन। ओ नो पार्किंग पे वीनू को और सिमी को लग रही थी ठंड तो वो सेक रहे हैं आग। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रखी अंगेठी और सिमी और ये बैठे हुए, आ जाओ वीनू। कोई बात नहीं बेटा, देखो रात का व्यू ऐसा दिखता है वीनू, वो देखो नीचे, ओ पता नहीं दिख भी रहा होगा नहीं कैमरे में, ये है देहरादून। वीनू पहचान लिया आपने कैमरे को, पहचान लिया? तो हम एक जगह जहाँ से मतलब हमेशा खाना लेते हैं तो वहीं पे हम खाना लेने आए हैं, फिर बयान के साथ हम यहाँ खाना खा नहीं सकते तो हम होटल में लेके जाएंगे खाना। ये फैन को देख के बयान की हरकतें शुरू हो गई फिर से।